मैं बहुत झूठा, उन्होंने धोखा दिया लोगों को और गलत बातें बोलना और लोगों को मिसगाइड करना अपने इलेक्शन के लिए, अपने वोट के लिए, क्योंकि उसने जो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमिटमेंट किया वो उसको पूरा करना चाहता है। बिल्कुल, मैंने ये भी कहा कि हम पूरा जो उनके दो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके क्या उनको लगता है हम पूरा डोनेशन उनको करेंगे और उनकी कंपेन में जो भी पैसा लगेंगे हमारी पार्टी लगाने के लिए। बरकाती को जीएम शाहीन जेल से निकाल के इनकलाब लाएगा, सच मैंने कहा। मैं वो हमने उनको गले लगाना है, मैंने ये बात भी कहा, मैंने कहा जेलों से लोगों को बाहर निकाला मेरा अवलीन फर्ज होगा, मैंने जमाती इस्लामिया को गले लगाने की बात की, मैंने स्टोन पेल्टर्स के केसेस वो सब चीजें जिसने 89 बनाया, जिसने मुतहदा महाज बनाया था उसको ठीक करना एक एक संविधान के तहत उनको गले लगाना जीएम शाहीन का। नहीं, वो इशारा कुछ लोगों के लिए था, आशा नीलोफर के कातलों को नहीं बख्शूंगा, आलानिया बात करता हूँ उनका केस लड़ूंगा दिल्ली में और उनके कातलों को नहीं बख्शूंगा। आपने कहा कि वक्त कम मिला है, यहाँ पे एक नई तब्दीली होती क्या? नहीं, बहुत जल्द में इलेक्शन, बहुत नहीं नहीं और भी चीजें थी, बहुत जल्द इलेक्शन कर दिए गए क्योंकि हमने कुछ वक्त मांगा था। अभी बहुत सारे नाराज लीडर जो अभी फील्ड में नहीं आए थे हम उनको भी लाना चाहते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैन ऑफ जमात इस्लामिया? नहीं, दिस इज आई कैन से वी कैन अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डोंट बैन लाइक दिस बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज अवर ओन। लास्ट में आपने स्पीच में कहा कि जो हमारे एमएलए बनेंगे उनका ही पावर होगा, क्या हम समझे तो बाकी लोग जो एमएलए बनेंगे कुछ नहीं होगा? बिकॉज कैबिनेट यहाँ जुड़ी है दिल्ली। मैंने डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ तो कोई एमएलए नहीं कर सकता।